शहरों में बड़े बड़े पार्कों के सामने आपने ये जूस वाले ज़रूर देखे होंगे जो सब्जियों का जूस बना के बेचते हैं, लेकिन देखिए सब्जियां जो हैं वो कटी हुई हैं और खुली पड़ी हुई हैं। मिक्सी का अगर आप देखेंगे ढक्कन खुला हुआ है और साथ में मक्खियां बैठी हुई हैं, तो क्या ऐसा जूस पी के हेल्थ बेनिफिट मिलेगा? लोग बाग अंदर पार्क के अंदर बहुत वॉक करते हैं, फिर बाहर आते हैं और ये जूस पीते हैं, देखिए सामने, लेकिन बैली तो वैसे के वैसे लटकी हुई है, तो कहीं ये ऐसा जूस आपको नुकसान तो नहीं कर रहा है कि आप भागते हुए पार्क में जा रहे हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा आप वॉक करते हैं और फिर ये जूस पीते हैं। तो देखिए जूस वाला क्या बताता है, इससे हम सुनते हैं। भैया कौन कौन सा जूस मिलता है आपके पास, कौन कौन सा जूस बनाते हो? हमारे पास ये हर्बल है, इसमें आंवला, करेला, नीम, गिलोय, कच्ची हल्दी, अदरक, एलोवेरा, चिरैता, अर्जुन की छाल का काढ़ा, बीट ग्रास। कच्ची हल्दी वही होती है ना जो अदरक के जैसी होती है? हाँ जी हाँ, ये तो से आती है, जो बीटरूट भी तो है, बीटरूट का भी है। अच्छा, आपने ये क्या स्प्राउट भी रखा हुआ है क्या? मुझे तो जितने भी जूस वाले उनके सामने अगर मैं देखती हूँ तो सबके पेट ऐसे लटके हुए हैं, सब ऐसे वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन ये जूस पीकर आपका वज़न कम नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ होममेड जूस की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर मैंने जो एलोवेरा यूज़ किया है उसको काटने के बाद, धोने के बाद इस तरीके से 10-15 मिनट के लिए लटका दिया था, जिससे इसका जो ये येलो कलर का पार्ट है वो निकल जाए और ये एलोवेरा साफ़ हो जाए। उसके बाद हम इस एलोवेरा को लेंगे और उसको धो के यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लगभग एक गिलास जूस बनाऊंगी, तो उसके लिए दो एलोवेरा की डंडी मैंने लेनी है, थोड़ा सा कच्चा आम लिया है ताकि उस जूस का टेस्ट बढ़ जाए, थोड़ी सी जिंजर लिया है, जिंजर आप जानते हैं डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, आधा खीरा और छोटा सा पीस हमने लेना है लौकी का या घिया जिसको कहते हैं। लौकी एक बहुत ही हेल्दी जूस इससे बनता है लौकी का, और अपने बाबा रामदेव को भी कहते सुना होगा कि लौकी का जूस पीना चाहिए, लेकिन जब आप मार्केट से ही जूस खरीदते हैं क्या वो चख के इसको बनाते हैं? नहीं ना। तो देखिए हम इसको बनाएंगे एक अच्छे और बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले तो एलोवेरा को इस तरीके से काटना है और इसका क्रिस्टल क्लियर जो पार्ट है, जो जेल है, उसको हमने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख देना है, जिससे इसका जो वो येलो जूस जो था, जो हमने पहले ऑलरेडी निकाल दिया है, अगर कुछ और भी पोर्शन बचा होगा तो वो इस पानी में डालने से वो निकल जाएगा और एलोवेरा से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम अपना खीरा भी काटेंगे, छीलेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ऐसे ही हम लौकी को भी टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसका जूस बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे खीरा हो या लौकी हो, अगर कड़वा है तो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कड़वी, ये दोनों ही चीज़ें अगर कड़वी हैं तो वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ज़्यादा दे देती हैं। अगर मैं बॉटल गार्ड की बात करूँ तो ये जो है वज़न घटाने में, तेज़ी से वज़न घटाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारा पानी भी होता है, और ये सारी चीज़ें वज़न घटाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इससे, इसमें फैट नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी इससे नहीं बनता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। विटामिन बी, सी, ए, के, ई इसमें काफ़ी होता है, उसके साथ इसमें फॉलेट, आयरन और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको छील लिया दोनों चीज़ों को और बारीक बारीक काट लिया, ताकि जब हम जूस बनाएंगे तो इसके मोटे पीसेस ना रहें। मैं तो बहुत पुराने स्टाइल से काट रही हूँ, आप अपने चॉपर बोर्ड पर रख के भी काट सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही काटने में थोड़ा कम्फर्टेबल लगता है, और ये कट गया आपका दोनों चीज़ें, और आम, कच्चा आम मैंने पहले पीसेस कर लिए थे, जिंजर के भी टुकड़े ले लिए। उसके साथ हमने मिलानी इसमें 2 से 3 काली मिर्च, जिसको हल्का सा क्रश कर देंगे, ये इसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ाने के लिए होते हैं। साथ में मिलाएंगे ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, इन सभी चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालेंगे और साथ में 1 गिलास पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। ये घिया और खीरा जो भी आपने लिया है उसको देख लेना चाहिए कि बहुत कच्चा कच्चा सा होना चाहिए, मोटे बीज वाला या जिसमें हार्ड बीज होते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन भी ये जूस पिया जाए तो बैली फैट बहुत जल्दी कम हो जाता है। बैली फैट
को बर्न करने में ये काफ़ी मदद करता है। और ये देखिए जो एलोवेरा हमने पानी में डाल के रखा था वो भी इसमें मिला लेंगे। एलोवेरा सब जानते हैं, चाहे इसको आप अपने स्किन पर लगाते हैं चाहे आप इसको खाते हैं, तो ये दोनों ही तरीके से आपको बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। और जब ये इतनी हेल्दी सारी की सारी चीज़ें पिसेंगी, उनका जूस बनेगा, तो आप समझिए कि वो जूस कितना हेल्दी होगा। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होने के कारण ये काफ़ी लंबे समय तक फुल रखता है। इसको आप अपने वर्कआउट के बाद अगर पीते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप चाहें तो इसको पहले भी पी के जा सकते हैं, लेकिन बाद में पीने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप वॉक करके आए हैं या वर्कआउट करके आए हैं, हल्की सी आपको भूख भी लगी है, और उस टाइम अगर इस जूस को पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उस टाइम तेज़ होता है। ये जूस पीने के बाद क्योंकि ये बहुत लाइट है, इसमें फैट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये अंदर जाने के बाद तुरंत आपको एनर्जी तो देगा, लेकिन ना तो इससे फैट बढ़ेगा ना तो इससे मोटापा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये बेशक ये जूस बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा देने वाला है, लेकिन अकेला जूस कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप अपनी डाइट पर ओवरऑल ध्यान नहीं देंगे, तो ये जूस भी कोई जादू नहीं करेगा। तब तो आप उस जूस के ठेले पर खड़े होने वाले तोंद वाले लोगों की तरह आप भी अपना नुकसान कर रहे होंगे और कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है, आपको अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, उसके साथ ये जूस लेते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जूस बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको इतना ही थिक रख सकते हैं, चाहें तो इसमें पानी मिला सकते हैं। इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया है, मीठा इसमें कुछ नहीं है, तो ये एक टोटल हेल्थ पैकेज है, टोटल हेल्थ बंडल है। हाँ, इसको बना के रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और वो फिर फ़ायदेमंद नहीं रहती हैं। इसको फ्रेश बनाना है, फ्रेश पीना है, और जब आप इसको इस तरीके से बना के पियेंगे, क्योंकि आसान है, बना के पियेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो आप इसे बनाइए, पी के देखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।